एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सीएस रितु। आज के इस वीडियो में बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। वेदांता लिमिटेड ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए एक और इंटरम डिविडेंड की डिक्लेरेशन कर दी है। इस डिविडेंड के बाद कंपनी का टोटल डिविडेंड इस फाइनेंशियल ईयर में हो गया है 101.5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। एंड डिविडेंड यील्ड अगर हम कैलकुलेट करें इस फाइनेंशियल ईयर के लिए तो वो हो गया है अराउंड 37%। बट कंपनी इतने ज्यादा डिविडेंड क्यों पे कर रही है इस फाइनेंशियल ईयर में? क्या रीजन है इस डिविडेंड पेमेंट के पीछे? ये डिविडेंड जो कंपनी पे कर रही है, क्या हमें इस डिविडेंड के लिए वेदांता लिमिटेड में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या वेदांता लिमिटेड का डिविडेंड पे आउट आगे भी हमें ऐसे ही देखने को मिलेगा? ये जानेंगे हम इस वीडियो में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेदांता लिमिटेड ने इस फाइनेंशियल ईयर में 5 इंटरम डिविडेंड पे किए हैं। इन डिविडेंड्स का टोटल अगर हम करें तो टोटल डिविडेंड इस फाइनेंशियल ईयर में आता है 101.5 रुपीस पर शेयर के हिसाब से। इन डिविडेंड की टोटल कॉस्ट वेदांता लिमिटेड को कितनी आई है? इन डिविडेंड की टोटल कॉस्ट वेदांता लिमिटेड को इस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ आई है अराउंड 37,700 करोड़ की। एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट जो था फाइनेंशियल ईयर 2022 में वो था 23,710 करोड़ का। कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट से भी अराउंड 1.5 टाइम्स तक डिविडेंड इस ईयर में पे कर दिया है, जो कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है किसी भी कंपनी के लिए। कंपनी इतने डिविडेंड पे क्यों कर रही है? कंपनी इतने डिविडेंड पे कर रही है अपनी होल्डिंग कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए। वेदांता रिसोर्सेज पे ह्यूज डेट है, अराउंड 7.7 बिलियन डॉलर का डेट है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड में। जब भी वेदांता लिमिटेड डिविडेंड पे करता है तो इस डिविडेंड का सबसे ज्यादा पोर्शन जाता है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड को, क्योंकि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड वेदांता में 69.7% का स्टेक होल्ड करती है। वेदांता की तरफ से एक और डिविडेंड के अनाउंसमेंट के बाद कंपनी के इन्वेस्टर्स बहुत खुश हैं, लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वेदांता लिमिटेड की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। मार्च 29 को ये न्यूज आई है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कंपनी के टर्म लोन्स और डिबेंचर्स की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है फ्रॉम स्टेबल टू नेगेटिव। और इस रेटिंग डाउनग्रेड का रीजन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने बताया है कि कंपनी के कैश आउटफ्लो हो रहे हैं बहुत ज्यादा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और ये डिविडेंड जा रहा है कंपनी की पैरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड को। वेदांता के इस डिविडेंड की एक्स डेट है 6 अप्रैल 2023 और रिकॉर्ड डेट है 7 अप्रैल 2023। 20.5 रुपीस का फिफ्थ इंटरम डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है। अगर आप इसे अवेल करना चाहते हैं तो आपको कंपनी के शेयर में 6 अप्रैल से पहले इन्वेस्ट करना होगा, 7 अप्रैल तक इस शेयर को होल्ड करना होगा और उसके बाद आप इस डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड होंगे। लेकिन क्या हमें सिर्फ इस डिविडेंड के लिए कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मेरा ओपिनियन ये है कि डिविडेंड के लिए हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज डिविडेंड का जितना भी अमाउंट होता है उसका एडजस्टमेंट शेयर के प्राइस पे एक्स डेट पे हो जाता है। सो सिर्फ डिविडेंड के लिए हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। सिर्फ वेदांता लिमिटेड ने ही नहीं, वेदांता लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने भी इस फाइनेंशियल ईयर में अच्छे डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने इस फाइनेंशियल ईयर में 4 डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं। इन चारों डिविडेंड्स का अगर हम टोटल करें तो टोटल डिविडेंड इस फाइनेंशियल ईयर में हिंदुस्तान जिंक ने डिक्लेयर किए हैं 75.5 रुपीस पर शेयर के हिसाब से। एंड हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड यील्ड इन डिविडेंड के बाद आता है अराउंड 23.5% का। हिंदुस्तान जिंक ने जो इस ईयर में डिविडेंड पे किए हैं उसके लिए हिंदुस्तान जिंक ने कैश आउटफ्लो किया है अराउंड 32,000 करोड़ का। हिंदुस्तान जिंक के फोर्थ इंटरम डिविडेंड की अनाउंसमेंट के बाद हिंदुस्तान जिंक के शेयर के लिए सीएलएसए ने सेल की रिकमेंडेशन दी थी एंड टारगेट प्राइस बताया था 260 का। सीएलएसए ने बताया था कि हिंदुस्तान जिंक के इस ह्यूज डिविडेंड पे आउट के बाद कंपनी अब नेट डेट कंपनी बन जाएगी फ्रॉम नेट कैश कंपनी। सो सिर्फ डिविडेंड के लिए किसी शेयर में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। सो ये था हमारा वीडियो वेदांता के डिविडेंड पे आउट पे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। क्या वेदांता का डिविडेंड पे आउट फ्यूचर में भी ऐसे ही रहेगा? कमेंट करके अपना व्यू हमें बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।